सहाबा के असल तो उसूल यही है कि अलैहिस्सलाम पैगंबरों के लिए है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका के लिए है, रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबा के लिए है, उसके बाद जो ताबईन तबा ताबईन मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन फुकहा औलिया उनके लिए रहमतुल्लाहि अलैहि। लेकिन अगर किसी को रज़ी अल्लाहु अन्हु कह दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन असल ये ख़ास उनके लिए है कि अल्लाह ने कुरान में उनको कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मैंने एहराम की हालत में यहाँ के जो वाशरूम में लिक्विड साबुन हाथ धो लिया, कोई बात नहीं, वैसे एक दो रियाल खैरात कर दो। मैंने चार चक्कर तवाफ़ के किए थे कि नमाज खड़ी हो गई, मैं नमाज में मिल गई, नमाज के बाद बाकी पूरे किए, ठीक है, अच्छा किया। औरतों के लिए ऐसे बुरके कि लोग बुरके को देखते हैं वो नाजायज़ हैं, वो तो फैशन है, बुरका तो ना हुआ ना, बुरका तो होता है हिजाब के लिए, ये तो हिजाब के लिए नहीं है, ये तो फैशन के लिए है, ये तो उल्टा आदमी को यानी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। फजर और असर के बाद अगर उम्रा या तवाफ़ ख़त्म हो तो दो रकात बाद में पड़े। मैंने फजर के बाद तवाफ़ शुरू किया, 6:30 बजे ख़त्म हुआ। उसके बाद आप देख लें कि यहाँ इशराक कब होता है, मेरे ख्याल में उस वक्त इशराक नहीं होता, सूरज निकल रहा होता है, उसके 15-20 मिनट के बाद इशराक हो। अगर पाकिस्तानी एजेंट ने पैकेज में हमसे पैसे ज़्यादा लिए लेकिन यहाँ हमें अच्छी रिहाइश नहीं दी, बिल्कुल आप पकड़ें उसको, उसकी शिकायत करें ताकि ऐसे लोगों के लाइसेंस कैंसिल हों।